हेलो स्टूडेंट्स, सो देखिए आज हम करने जा रहे हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, इसमें आज हम बात करेंगे सोशल क्लास के बारे में। ठीक है, तो सोशल क्लास क्या होता है? एक्चुअली ये एक तरह का स्टेटस होता है, ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन का। ठीक है, स्टेटस, ठीक है, किसी का स्टेटस लो हो सकता है, ठीक है, और किसी का स्टेटस हाई हो सकता है। ठीक है, अब वो कौन कौन से क्राइटेरिया हैं तो जिसके हिसाब से हम देखते हैं किसी एक इंडिविजुअल पर्सन का उसका स्टेटस क्या है। ठीक है, तो उसको हम सोशल क्लास में डिवाइड करते हैं। ठीक है, सो जैसे देखिए कोई एक पर्टिकुलर पर्सन होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसका उसके पास कितना मनी है, ठीक है, मनी कितना है उसकी, उसका क्या ऑक्यूपेशन है, ठीक है, ऑक्यूपेशन क्या है उसका, एंड उसका बिहेवियर कैसा है, बिहेवियर एंड एटीट्यूड। ठीक है, ठीक है, उसके हिसाब से हम देखते हैं उसका स्टेटस क्या है। ठीक है, अगर कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, उसकी जो मनी है वो काफ़ी हाई है, ठीक है, ऑक्यूपेशन की भी काफ़ी हाई लेवल का है, उसका जो बिहेवियर और एटीट्यूड है मीन्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है उसका, हाई है, तो वो क्या होगा, उसका जो स्टेटस होगा वो हाई होगा। ठीक है, और अगर इन तीनों चीज़ों में से जैसे मनी, ऑक्यूपेशन, बिहेवियर, एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें लो हैं, ठीक है, इनका स्टैंडर्ड लो है, तो इसका जो स्टेटस होगा वो भी लो होगा। ठीक है, तो ये होता है स्टेटस, तो इसी को हम सोशल क्लास में डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, दो पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, तो उनका जो ब्लड है सेम ब्लड है, ठीक है, एक ही फैमिली से, सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो उनका जो स्टेटस हो सकता है वो लो और हाई हो सकता है। ठीक है, लो और हाई हो सकता है उनके उनकी एजुकेशन के साथ। ठीक है, जैसे कि उनकी जो एजुकेशन है, ठीक है, वो लो क्वालिटी होगी। ठीक है, मींस लो क्वालिटी एजुकेशन है। ठीक है, मतलब इन जो ये जो इंडिविजुअल है ये लेस अचीव करेगा। ठीक है, लेस अचीव करेगा, और इसकी जो जॉब होगी वो काफ़ी लो स्टैंडर्ड की होगी। ठीक है, लीस्ट डिमांडिंग जॉब होगी। ठीक है, और वो क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे जो इसका सोशल स्टेटस है वो काफ़ी लो हो जाता है। और दूसरी तरफ सेम फैमिली से जो दूसरा इंडिविजुअल है, ठीक है, तो उसको एजुकेशन जो है वो काफ़ी हाई मिली है। ठीक है, हाई क्वालिटी एजुकेशन मिली है, और जो उसकी जो और उसने काफ़ी हाई अचीव किया है। ठीक है, अचीव भी काफ़ी ज़्यादा किया है क्योंकि उसकी एजुकेशन काफ़ी हाई रही है, और तो उसके हिसाब से उसको जॉब मिलती है, एक हाई पेमेंट जॉब मिलती है। ठीक है, जॉब भी काफ़ी हाई पेमेंट वाली मिलती है। ठीक है, तो इससे जो जो इंडिविजुअल है, ठीक है, वो क्या बन जाता है, रिच बन जाता है। ठीक है, तो इससे इसका जो सोशल स्टेटस है वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। ठीक है, तो मींस इससे हमें पता चलता है कि एक ही फैमिली से बिलोंग करने वाले दो पर्सन, उनका स्टेटस जो है वो लो या हाई हो सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि अगर वो सेम फैमिली से है तो उनका जो सोशल स्टेटस होगा वो भी सेम होगा। ठीक है, अब जो सोशल क्लास है, ठीक है, इसकी क्लास डिस्टिंक्शन के क्राइटेरिया कौन कौन से, ठीक है, क्राइटेरिया की बात करते हैं हम। ठीक है, तो कौन कौन से क्राइटेरिया हम इसमें लेते हैं, तो बर्थ के हिसाब से, ठीक है, बर्थ, वेल्थ, ऑक्यूपेशन, पॉलिटी, ठीक है, और एजुकेशन, ये जो पांच क्राइटेरिया हैं जिसके हम हिसाब से देखते हैं कि उसकी जो सोशल क्लास है वो क्या होगी। ठीक है, सो जो सोशल क्लास है उसको जस्ट बेसिकली सोशल स्टेटस से देखा जाता है कि किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का, ठीक है, किसी पर्टिकुलर ह्यूमन का, कि उसके पास मनी कितना है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, ठीक है, ऑक्यूपेशन क्या है उसका, ठीक है, उसका सोशल ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। अब देखिए जो सोशल क्लास है, सोशल क्लास, ठीक है, इसको फोर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फोर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है इसको। तो पहला है आपका अपर क्लास, ठीक है, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास एंड क्लास बिलो पॉवर्टी लाइन, क्लास बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, तो सोशल क्लास को चार हिस्सों में डिवाइड किया गया है, फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास एंड क्लास बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, तो अब जो मिडिल क्लास है, ठीक है, मिडिल क्लास को आगे थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, मिडिल क्लास को आगे थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है।
पहले हैं हायर मिडिल क्लास, ठीक है, हायर मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास, ठीक है। सो मिडिल क्लास को भी आगे थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हायर मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास, ठीक है। तो अब हम एक एक करके इन सबको एक बार स्टडी करेंगे, ठीक है। अब देखिए जो अपर क्लास है, ठीक है, इनके पास काफ़ी मनी होता है, ठीक है, जिनके पास मनी होता है काफ़ी होता है, ठीक है, ये लग्जूरियस लाइफ जीते हैं, ठीक है, और इनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है वो काफ़ी हाई होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी हाई होता है, और ये पूरी जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसका 5% है, ठीक है, अपर क्लास में पूरी इंडिया का 5%, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम हायर मिडिल क्लास की, ठीक है। हायर मिडिल क्लास में क्या है, जो इनके पास मनी है वो काफ़ी है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अपर क्लास थोड़ा कम है लेकिन ठीक है, ठीक है, और जो इनका लग्जूरियस लाइफ ये भी जीते हैं, ठीक है, जैसे कि अपर क्लास जीते हैं, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं अपर क्लास की, ठीक है, और इनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है वो भी हाई होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मिडिल क्लास की, जो मिडिल क्लास होते हैं इनके पास मनी कम होता है, ठीक है, इन दोनों के कंपैरिजन में अपर क्लास और हायर मिडिल क्लास के, ठीक है, और ये थोड़ी सी कम लग्जूरियस लाइफ जीते हैं, ठीक है, लग्जूरियस लाइफ भी कम जीते हैं, और जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये इन दोनों से कम होता है, ठीक है, मीन्स मीडियम में होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोअर मिडिल क्लास की, जो लोअर मिडिल क्लास हैं, ठीक है, तो इसका जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसका ये 40% आते हैं, ठीक है, 40% आते हैं, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा तो जो टीचर्स होते हैं, ठीक है, टीचर्स, ठीक है, वो आते हैं, ठीक है, और इनका जो वे ऑफ लिविंग होता है वो भी लो होता है एज़ कम्पेयर टू दीज थ्री क्लासेस, ठीक है, मीन्स अपर क्लास, हायर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास से जो लोअर मिडिल क्लास हैं उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो लो होता है, ठीक है। उसके बाद जो आपकी जो लोअर क्लास है, ठीक है, ये इनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है काफ़ी कम होता है, ठीक है, और उसके बाद जो आपकी क्लास बिलो द पॉवर्टी लाइन है, ठीक है, क्लास बिलो द पॉवर्टी लाइन, ये इंडिया की 25% को बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये होमलेस होते हैं, ठीक है, इनके पास घर नहीं होता अपना, ठीक है, और ये ज़्यादातर रोड्स पे रहते हैं, ठीक है, और ये हैंड टू माउथ सर्वाइव करते हैं, ठीक है, और इनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है वो काफ़ी लो होता है, बहुत लो होता है, ठीक है, मीन्स जितना कि इन्होंने पूरे दिन में अर्न किया वो उनसे उसी से उनका गुजारा चलता है, ठीक है। सो दीज आर सोशल क्लास, ठीक है, तो सोशल क्लास को हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास एंड क्लास बिलो द पॉवर्टी लाइन, ठीक है, और जो मिडिल क्लास है हमने उसको आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, हायर मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास, ठीक है। तो जो आपकी अपर मिडिल क्लास हैं वो 5% है इंडिया की पॉपुलेशन का, लोअर मिडिल क्लास हैं वो 40% है, एंड क्लास बिलो द पॉवर्टी लाइन वो 25% है, ठीक है, ठीक है। तो ये तो होगी बात सोशल क्लास की, ठीक है, सोशल क्लास को हमने इसमें अच्छी तरह से देखा, ठीक है, कि ये इसका मीनिंग क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, ठीक है। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके जो आपके सोशल क्लास है, सोशल क्लास उसको एजुकेशन से कैसे रिलेट करते हैं, ठीक है, सोशल क्लास एंड एजुकेशन, सोशल क्लास एंड एजुकेशन। तो फर्स्ट है इसमें आपका एटीट्यूड्स टुवर्ड्स गर्ल्स एजुकेशन, एटीट्यूड टुवर्ड्स द गर्ल्स एजुकेशन, ठीक है। सो देखिए पहले जो ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग था, ठीक है, पहले क्या होता था कि गर्ल्स को काफ़ी लो कैटेगरी में रखा जाता, ठीक है, उनको जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो नहीं दी जाती थी एजुकेशन के लिए, ठीक है, उनको पढ़ाया भी नहीं जाता था। लेकिन एजुकेशन से क्या फ़र्क पड़ा है, ठीक है, तो इससे क्या हुआ है कि जो ह्यूमंस हैं, ठीक है, उनको अब गर्ल्स की जो पावर है उनको समझ आने लगी है, इनकी इंपॉर्टेंस समझ आने लगी है, ठीक है, इनको और वो जो लोअर मिडिल क्लास हैं अब वो भी उन्होंने गर्ल्स की जो एजुकेशन है उसको भी काफ़ी बढ़ावा दिया है, ठीक है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो गर्ल्स हैं अब स्कूल जाने लगी हैं, ठीक है, तो इससे एटीट्यूड चेंज हुआ है हमारा गर्ल्स के लिए, ठीक है। तो सेकंड है आपका एटीट्यूड्स टुवर्ड्स को एजुकेशन, ठीक है, एटीट्यूड टुवर्ड्स द को एजुकेशन मीन्स जैसे कि पहले जो था
अगर बॉयज़ और गर्ल्स को, ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स को पढ़ाया जाता था स्कूल में, तो जो गर्ल्स थी उनको पहले ही स्कूल से निकाल दिया जाता था, ठीक है, मीन्स उनसे घर का काम करवाया जाता था, मीन्स जो गर्ल्स की जो गर्ल्स को इम्पोर्टेंस जो दी जाती थी वो बॉयज़ से काफ़ी कम थी, ठीक है, काफ़ी कम थी, बॉयज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी और गर्ल्स को कम, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि और बॉयज़ और गर्ल्स को अब सेम ही समझा जाता है, ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स को अब सेम ही समझा जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स को भी अब स्कूल में एडमिशन दिलाया जाता है, ठीक है, उनको भी अब स्कूल भेजा जाता है और वो अपनी हाइयर स्टडीज़ भी करते हैं, ठीक है। थर्ड है पब्लिक स्कूल, ठीक है, पब्लिक स्कूल। तो पहले क्या होता था, जो रिच पीपल्स हैं, ठीक है, मीन्स जो अपर क्लास वाले हैं, ठीक है, अपर क्लास, हायर मिडिल क्लास, ठीक है, मिडिल क्लास, ये जो लोग हैं वही अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में भेजते थे, ठीक है, उनकी हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए, ठीक है, हाई क्वालिटी एजुकेशन को अचीव करने के लिए। लेकिन अब सिनेरियो चेंज हो गया, ठीक है, अब जो लोअर क्लास वाले हैं, ठीक है, लोअर क्लास के जो लोग हैं वो भी अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके अपने बच्चों को हाई क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं और वो भी अपने बच्चे को पब्लिक स्कूल में भेजते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ है आपका डिफरेंस इन लेवल ऑफ स्कूल। अब देखिए इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से, ठीक है, जो स्कूल का लेवल है वो भी हाई से लो होता है, ठीक है। जैसे आपका इसमें सबसे पहले आता है दून पब्लिक स्कूल, ठीक है, दून पब्लिक स्कूल, फिर हैं आपके जो पब्लिक स्कूल्स होते हैं सेकंड लेवल के, पब्लिक स्कूल हो गए, ठीक है, उसके बाद जो नवोदय स्कूल हो गए, ठीक है, नवोदय विद्यालय, ठीक है, सेंट्रल स्कूल्स हो गए, उसके बाद जो आर्मी एंड फोर्सेस के स्कूल होते हैं। इससे अब देखिए जो आपका स्टेट, इसका इकोनॉमिक कंडीशन के जो इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से जो इसका स्टेटस है वो हाई से लो तक जाता है। लो में सबसे नीचे आते हैं आपके जो स्कूल्स होते हैं, ठीक है, जो लोकल बॉडीज़ के अंदर होते हैं, लोकल अथॉरिटीज़ के अंदर होते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर आता है आपका गवर्नमेंट स्कूल भी होते हैं, ठीक है। तो इससे आपका जो स्टैंडर्ड है वो हाई से लो होता है इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सेस टू हायर एजुकेशन, एक्सेस टू हायर एजुकेशन, एक्सेस टू हायर एजुकेशन, ठीक है। सो अब देखिए जो आपकी जो प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, ठीक है, ये तो काफ़ी बच्चों को दी जाती है, लेकिन अब जो हायर एजुकेशन है वो कम ही बच्चों को मिल पाती है, ठीक है, जैसे कि मेडिकल कॉलेजेस हो गए, IITs हो गई, इंस्टीट्यूट्स हो गए, और जो प्रेस्टिजियस कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स हो गए, ठीक है। अब इससे जो इनकी पॉपुलेशन में भी है, इसमें काफ़ी डिफरेंस आया, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल वे में, ठीक है। जैसे पहले होता था बच्चों को हायर एजुकेशन नहीं दी जाती थी, ठीक है, लेकिन अब जैसे जैसे जो आपका वर्ल्ड है वो मॉडर्न हो गया है, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन हुआ है इस वर्ल्ड का, तो अब बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हायर एजुकेशन दी जाने लगी है, ठीक है। सो जो ओवरऑल इसकी जो इमेज है हायर एजुकेशन की वो अब थोड़ी सी चेंज हुई है, ठीक है, लेकिन अभी भी ज़्यादा जो अपर क्लास के जो लोग हैं और अपर मिडिल क्लास के लोग हैं वही हायर एजुकेशन को अचीव कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे चेंज इन करिकुलम अकॉर्डिंग टू सेक्स, चेंज इन करिकुलम अकॉर्डिंग टू सेक्स, ठीक है, मीन्स सेक्स के हिसाब से, मीन्स मेल और फीमेल के हिसाब से, मेल एंड फीमेल के हिसाब से करिकुलम को चेंज करना, ठीक है। अब देखिए जब पहले जो स्टडी होती थी, ठीक है, उसमें जो मेल थे वो ज़्यादातर डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है, साइंटिस्ट, ये सब बनती थी, और जो फीमेल्स होती थी उनको ज़्यादातर होम साइंस, ठीक है, ड्राइंग, ठीक है, पेंटिंग, म्यूज़िक, इन सब में इनको पार्टिसिपेट कराया जाता था। लेकिन अब एजुकेशन की वजह से सिनेरियो चेंज हो गया है, ठीक है, अब जो फीमेल्स हैं वो भी अब इंजीनियरिंग, ठीक है, और अकाउंटेंसी में एडमिशन लेने लगे हैं, ठीक है, और भी जो फील्ड्स हैं जो ज़्यादातर जो मेल्स को दी जाती थी अब फीमेल्स भी उसे सिलेक्ट करने लगी हैं, ठीक है, थीके? तो इससे जो हमारा करिकुलम है वो भी चेंज हो गया है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सोशल क्लास, ठीक है।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको अच्छी तरह से ये टॉपिक समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये था सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का, ठीक है, एक हमने इसका पार्ट लिया था सोशल क्लास के बारे में, ठीक है। थैंक यू।